1 लाख रुपए भेज देना अकाउंट में। बाय। 1 लाख या मेरे तरफ से 2 लाख। फाइनली हम निकल गए हैं। मैं आपको रूम टूर कराने वाली हूँ। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। तो गाइज, आज वो दिन आ गया है। तो आज मैं करने वाली हूँ पैकिंग, क्योंकि 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 हम जा रहे हैं एक ट्रिप पे। तो काफ़ी लोगों को पहले से ही पता चल गया था कि हम लोग कहीं ट्रिप का प्लान कर रहे हैं, एंड हम लोग का ये हो रहा था कि कहाँ जाए कहाँ जाए, क्योंकि 4-5 प्लेस पहले से जो डिसाइडेड थे वो बार बार ना मतलब चेंज हो रहा था। पहले हमने कश्मीर का प्लान बनाया था, वो भी फ्लॉप हो गया। फिर उसके बाद हमारा दार्जिलिंग का बना, वो भी फ्लॉप हुआ। फिर हमारा कसोल बना, फिर ऐसे मतलब उसके बाद वहाँ पे क्या बोलते हैं ये जीबी का भी बना था, वो भी फ्लॉप हो गया। तो फाइनली ऐसे तैसे करते करते हमारा ट्रिप बना है स्पीति वैली का, बट वो भी मतलब प्रॉपर नहीं है कि हम वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम निकल तो रहे हैं और बीच में ऐसा न्यूज़ आया था कि लैंडस्लाइड वगैरह बारिश वगैरह हो रही है। तो अभी चलते हैं, पूरा मतलब प्रॉपर तो है नहीं कि हम वहाँ पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, वो हमें खुद नहीं पता। तो निकल तो जा रहे हैं आज हम घर से अपने, अगर हुआ तो पहुँच गए तो वेल एंड गुड, सही है, मस्त है, मज़े करेंगे। अगर नहीं पहुँचे तो हम कसोल तक ही अपना स्टे रखेंगे। तो चलते हैं, फटाफट पैक करते हैं सामान। तो सुबह से मैंने अपना एक एक दो दो सामान इकट्ठा कर कर करके रखा है, तो अभी मैं पैक करने जा रही हूँ। और क्या क्या लेके जाऊँगी ये तो आपको वहीं पता चलेगा जब मैं पहनूँगी। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ठंडा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ का टेम्परेचर ना रात को 0, 4, 1, 2 ऐसे चल रहे हैं। तो भाई ठंडा तो बहुत ज़्यादा ही लगेगा, तो हम ठंडे के कपड़े ही लेकर जा रहे हैं। एंड ठंडियों का कपड़े का शॉपिंग करने गए थे बट मिला नहीं कुछ भी, क्योंकि आज जैसे पता है आपको गर्मियाँ चल रही है। पर फिर भी एक दो सामान मिला था, वो हमने उठा लिया है, और वो जब पहनूंगी तभी बता दूंगी। तो गाइस पैकिंग हो रही है, यहाँ देखो पैकिंग, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या डालो क्या ना डालो। ऐसा लग रहा है ठंड का डालो या गर्मी का डालो, क्या डालो, कहीं गर्मी का डाल दिया और वहाँ जाके ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है। वैसे टेम्परेचर देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा ही ठंड है, तो उसी हिसाब से पूरा कपड़ा ठंडे का डाल रही हूँ मैं। एंड 2-4 हुड से ही मेरा पूरा भर गया है, और पता नहीं अब कैसे लेकर जाना है क्या करना है। जूते तो अभी तक डाले भी नहीं है, मैं तो सोच रही कि अब हाथ में लेके जाऊँगी बाकी के शूज़। तो मैं फटाफट नहा के चेंज करके आती हूँ। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ। मामा बाय, नमस्ते, बाय बाय शुगू, बाय। 1 लाख रुपए भेज देना अकाउंट में। बाय। 1 लाख या मेरे तरफ से 2 लाख, चलो बाय। 1 लाख। तो गाइज मैं निकल गई हूँ। गाइज अभी मैं सामान लेके यहाँ आई थी, पहले पहला स्टॉप जो कि है वर्षा का घर। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं कार्तिक उनियाल को पिक करने, फिर हम अपने प्लान में कंटिन्यू करते हैं। सामान देखो भयंकर कितना सारा है, ये बंद हो जाएगा क्या? कार्तिक सामान अपना उठा के लेकर आएगा, हाथ में जगह नहीं है। इसको सीधा करें क्या फिर भी? तो गाइस फाइनली हम निकल गए हैं, और हमें ज्वाइन किया है उनियाल जी ने, जो कि मुंह फुला के बैठे हुए हैं। कोई नहीं, चलता है। अभी तो थोड़ी देर पहले ये भी फुला रखी थी वीडियो के चक्कर में, मुंह हंसी बंद कर लिया आज। कोई नहीं, ऐसा छोटी मोटी बातें होती रहती है, बड़े बड़े शहरों में लोग झूठ बहुत बोलते हैं, तो कोई नहीं, चलता है। तो गाइस देखिए हमारा पांचों का जो ग्रुप है, जो हमारे 5 का ग्रुप है दोबारा निकल चुका है। जैसे कि गर्मी में हम ठंडी जगह जाते हैं और ठंडी में गर्मी जगह, तो कहाँ जा रहे हैं ये तो अभी मुझे भी नहीं पता। कहीं भी जा रहे हैं वो बाद में पता चल जाएगा कि आखिर जाना कहाँ है। बस हम निकल निकल गए बस अब। तो अभी चलते हैं। ये चलो निकला तो गाइस अभी तक हम पहुंचे नहीं है, क्योंकि 6-7 घंटे हो गए अभी, और अभी ये लोग एटीएम में पैसे पूसे निकाल रहे हैं, और पता नहीं कैसे पहुंचेंगे। इतना हालत ख़राब हो गया अभी, मेरी दीदी भी सो चुकी है यहाँ पे, और ये रोड ट्रिप तो बहुत ही भयंकर हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, सब कुछ दर्द हो रहा है। गाइस लगता है ये पूरा एटीएम खाली करने वाले हैं, देखो अब निकल रहे हैं। सो गाइस सुबह भी हो गई, मतलब रात भर से सफ़र चल रहा था और अभी सुबह भी हो गई, पर अभी बहुत टाइम है, मतलब यहाँ से 10 घंटा और लगेगा। और यहाँ देखो यहाँ पे कुछ उगा हुआ है, फूलों में सेब है, कुछ पता नहीं चल रहा, पर बहुत सुंदर है, खाने का मन कर रहा है।
और यहाँ पे हमारे दोस्त लोग चाय पी रहे हैं, अभी स्टॉप पे रुके हुए हैं हम। सर में इतना दर्द हो रहा है, नींद पूरी नहीं हुई, और मैंने तो कपड़े भी चेंज कर दिया है क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा था। और रास्ता देखो और मौसम देखो भाई, कितना ही सुंदर है ये। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अलीशा का जैकेट स्वेटर ऐसा आ रहा है ना, पर अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी तो गुड नाइट हो रही है। इधर आओ, जाके मुंह धो लो पहले अच्छे से। क्यों? पूरा आंखों में कचरा कचरा लीचा। अबे अभी सोऊंगा मैं यार, मुंह भी धो लो बुबू। यू शुड लुक फ्रेश, क्योंकि आपको पूरी गाड़ी चलानी है। अभी तो मैंने चला लिया, मैं थोड़ी देर सोऊंगा उसके बाद धोऊंगा। बहुत जहां वॉशरूम जाएंगे ना तब। ठीक है, कैसा लग रहा वैसे तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है मेरे साथ? तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ मजा आ रहा मुझे। तो गाइज, रात को ना मैं सो गई थी जल्दी क्योंकि मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, और जैसे ही सुबह उठी तो भाई इतनी ठंड, मतलब वेदर ऐसा चेंज हो रहा था यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़ते जा रहे थे हम लोग। फिर यहाँ पे देख सकते हो आप कैसे अनोखे अनोखे से पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, कभी ग्रीनरी पहाड़, कभी सूखे पहाड़। हम यही पहाड़ देख देख के ही आगे बढ़ रहे थे। गाइस, ये लोग होते हैं जो नेचर को खराब करते हैं। ओए, तो गाइस फाइनली आधा रास्ता कंप्लीट, 6-7 घंटे का रास्ता बाकी है। और ये देखो भाई, यहाँ पे नदी देखो और व्यू देखो आप। बुबू क्या हो गया, थक गए? गाइस अभी हम कुछ खाने आए हैं, कुछ में अभी पता नहीं क्या मिलेगा। तो गाइस हमें वहाँ कुछ खाने को नहीं मिला, खाली पोस्टर लगाया था मोमो चाउमीन का, कुछ भी नहीं था। तो अभी जा रहे हैं कहीं और खाने के लिए क्योंकि हर तरफ वेज ही मिल रहा है। गाइस मेरी कमर कितनी वाट लगी है, तुम्हारी? मेरी तो लगी पड़ी है। मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने कमर का हर एक पार्ट निकाल के ऐसे पट पट बजा के दोबारा जोड़ दो। डॉक्टर ऐसा लग रहा है हम नेपाल आ गए। देखो मेन्यू देख के खुश कर देता। आहो तुम्हारे शक्ल से ज्यादा बड़ा पराठा है। पराठा कहाँ से शुरू करूँ, ऐसा होगा मुझे। सुनो बाहर शुरू करो, जो बाहर लेके जाओ। कैसा है? कितनी हंसी आई ना, मजा है। मन में गाली दी होगी ना, मन में क्या मुंह में दूंगी मैं। साली जी को भी खिला देता हूँ यार। अच्छा है। चटनी ना नेपाल वाली फीलिंग आ रही है, टिम्बू डाल के जैसे। खा के देख, है ना? हमारा भी ऑर्डर आ गया, हमने मंगाए थे चाउमीन मोमो। तो गाइस खा के तो मजा आ गया, ज्यादा नहीं खाया क्योंकि यार ऐसे 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 रास्ता उल्टी हो जाएगी, इसलिए तो लिटिल मस्त आलू का पराठा आया टाइट। अब आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम खाएगी यार तेरी, हम खाएंगे। चलो गाइस हम आइसक्रीम खाने आए हैं। ओह माय गॉड, लॉट ऑफ ऑप्शंस। व्हिच वन? मैंने तो ये ले लिया, इसने तो कुल्फी लिया। कुल्फी मेरा चोको बार। मेरी कैंडी तो सुंदर है। कितने हो गए? तो आइसक्रीम खा के हम निकल चुके थे, और यहाँ से जो रास्ता था वो बहुत ही मतलब एकदम डेयरिंग वाला था, क्योंकि गाइस नीचे पूरी खाई थी और इतना भयंकर पानी साइड में जा रहा था, और ऊपर पहाड़ी पहाड़, ऊपर से रास्ता पूरा ख़राब, लैंडस्लाइड अलग। एंड आप देख सकते हो कितना डेंजर लग रहा है ये रास्ता। और लगभग हमने 8-9 घंटे बस ऐसे ही रोड में काटे हैं। और तो गाइस अभी तक हम पहुँचे नहीं है, एंड यहाँ पहले यहाँ देखो सब एप्पल का पेड़ है ये सारा, और एक दो लगा भी है छोटा छोटा, पर मैं वहाँ जा नहीं सकती, अभी डांट देंगे। और इतने घंटों से चल रहे ये पहाड़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो एप्पल का पेड़,
देखो यार एप्पल भी है, तोड़ दो क्या? तोड़ दो एक। नहीं नहीं कच्चा है। और कितने सारे हैं देखो ना, मजा आ रहा है तुम्हें? हाँ वो देखो बर्फ। बर्फ नहीं मैं बोल रही, तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मेरी तो हालत खराब हो गई है, कुछ खाया भी नहीं है, खाया भी नहीं जा रहा क्योंकि रास्ता है और पूरे मतलब 13 घंटे से ऐसी ऐसी चल रहे, तो खा भी नहीं पा रहे, पता नहीं कब पहुँचेंगे। नींद आ रहा है। 3 घंटे और है तो गाइस मैं तोड़ूंगी नहीं, क्योंकि तोड़ा तो क्या पता मुझे मारे गाँव वाले। यहाँ देखो, ये देखो कितने छोटे छोटे एप्पल है, उस टाइम देखा है मैंने ऐसे ना एप्पल को लगते हुए। ऊपर गया कहाँ? यहाँ पे तो छोटे छोटे, वहाँ पे इतने बड़े बड़े थे, मैंने सोचा तोड़ेंगे, इन्होंने गाड़ी ही नहीं रोकी, बहुत बदतमीज है ये लोग। वो भी पूरा एप्पल की खेती है, वो जो ऐसे छोटे छोटे कैरिया दिख रही है ना वो पूरा, यहाँ से तो छोटी लग रही है, वहाँ तो बहुत बड़ा है। कितना मस्त आ रहा है व्यू, मेरा भी ऐसे पकड़ो था ज़रा, पकड़ो यहाँ से। तो गाइस काफ़ी टाइम से हम इस बोट का इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी काफ़ी घंटे बाद हमें बोट दिखा। वेलकम टू स्पीटी वैली। तो यहाँ का रोड और भी ज़्यादा ही डेयरिंग था, हमें लगा कि चल वहाँ तक पहाड़ ठीक है, थोड़ा लैंडस्लाइड है, बट यहाँ तो पूरी ही कच्ची पहाड़ और रोड भी इतना डेंजर, मतलब मैं बता नहीं सकती। तो गाइस यहाँ देखो ये दोनों कैसे मेरे ऊपर लटक के सो रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन में, एंड यहाँ का रोड दिखा देती हूँ मैं। दिखा दे जरा बेटा, देखो अच्छे से दिखा दो, रोड नहीं दिख रहा, पानी दिख रहा है, अच्छे से दिखाओ रोड। तो गाइज आप देख सकते हो कैसे कैसे रोड से हम जा रहे हैं, और ये रोड तो मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं लिया इसने, पूरी रोड हम ऑफ रोडिंग करते हुए गए भयंकर। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए अपने लोकेशन, अभी हम काजा में है, स्पीति हम कल जाएंगे, और आज का जो हमारा घर है वो है ये स्पीति मोंग। राजा जी भी आ गए हैं। कैसे लगा तुम्हें ये अपना आज का घर? हमारा तो बहुत बढ़िया है, तुम्हें कैसे लगा? बहुत ही मस्त, अभी दिखाती हूँ कमरा जाके। और मतलब यहाँ देख रहे हो कितने सुंदर सुंदर घर है, और पूरा ही कॉलोनी, मतलब मेरा कॉलोनी घर तिब्बत कॉलोनी में है ना, बुद्धा टेम्पल, मुझे ऐसा लग रहा है मैं घर में ही हूँ। मतलब बस थोड़ी पहाड़ ऐड हो गए, पहाड़ वगैरह ऐड ऑन हो गए, ऐसा बोलोगे? घर अच्छे है पर ये प्रॉपर मतलब जो ट्रेडिशनल कल्चर है ना वैसा घर है। ये देखो इसकी खिड़कियाँ देखो भाई कितनी डिटेलिंग है, तो आइए हम आपको रूम दिखाते हैं। ये तो गाइस हमारे कार्तिकोनियल जी अपना संभाल की जो रहे हैं। गाइज हम जब आए थे तो इतनी गर्मी थी, ठीक है, बहुत गर्मी, और मुझे लगा अभी भी मुझे लग रहा था बहुत गर्मी है, अब धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है, मतलब जो कपड़े इतने सारे लेकर आए थे, दिन में गर्मी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ठंड है। एंड मैं आपको रूम टूर कराने वाली हूँ। गाइज हमने दो रूम लिया है, एक रूम में जो कि ये वाला रूम है, ये भीना और कार्तिक का है, और ये वाला रूम हम गर्ल्स पार्टी लोग का है। yes. क्योंकि इसमें व्यू है, देखो सुंदर सा व्यू है, जो कि उन लोग में नहीं है, उन लोग को तो जरूरत भी नहीं है। सिर्फ हमको जरूरत है। तो गाइज हम लोग आज यहीं स्टे करेंगे क्योंकि हालत भी बहुत ख़राब हुई है और आगे जा भी नहीं पा रहे। सो अभी हम स्पीति में नहीं है, अभी हम है काजा, और अभी मेगा नहाने गई है, हम लोग फ्रेश फ्रेश होके खाना वाना खाने की तैयारी करते हैं अभी थोड़ी देर में। तो अभी जो गर्ल्स टीम है वो यहाँ सोएंगी, एंड जो बॉयज़ है वो पीछे वाले कमरे में सोएंगे। तुमको अपने पति के साथ तो नहीं जाना? जाना है गाइस, मुझे अलग कर दिया इन्होंने मेरे पति से। मजाक कर रही हूँ, नहीं नहीं हमें पति पति नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा है ना कि यहाँ पे अगर पर्सनल पर्सनल नहीं करते तो फिर 3 रूम लेना पड़ेगा, उसके चक्कर में उन्होंने सोचा कि 2 रूम लेते, एक में गर्ल्स एक में बॉयज, ईजी, इसलिए रूम का खर्चा भी बचे, और कभी कभी ऐसे पति से अलग भी सोना चाहिए। सही बात है, कभी कभी दोस्त को भी टाइम देना चाहिए। ओह माय गॉड, हाँ ये तेरे लिए भी था। तो अभी हम इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, और बस अब थोड़ी देर अपना मी टाइम करते हैं सबके साथ,
एक तो ये आओ तो अभी चलो बाय बाय, टेक केयर, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, डू लाइक शेयर कमेंट ऑल्सो सब्सक्राइब, बाय।